हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड बाय छोटा आरबी। तो आज की वीडियो में आपको बताया जा रहा हूँ हाउ द विलन नेटवर्क शेल में फॉर्म यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सॉरी ओनली एचटीएमएल ओनली प्योर एचटीएमएल। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को प्लीज लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन से सर्वे फॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसे मैंने आपको बताया था नेटवर्क सर्वे फॉर्म बनाए जा रहे हैं। तो जैसे मैंने इसे बोला तो आप ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल से हमारा सर्वे फॉर्म है। आज की वीडियो में हम ये बनाने जा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया अपना। एज भी आप कोई से भी डाल सकते हैं। एज आप ये देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10। आपको यहाँ से भरानी हो यहीं से एरो की से आपको ऊपर करना। आप लिख नहीं सकते इधर, नहीं लिख सकते बल्कि 52 ऐसे आप लिख सकते हैं। ईमेल भी आप अपने कोई सी भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे कर एक और vaishwetarvi@gmail.com। आप ऐसे कोई सी भी लिख सकते हैं ईमेल। तो मैं इस कर देता हूँ ऐसे। आज का वीडियो में हम यही बनाने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओपन विथ टू सेंडर ऐप, नीचे गया, सब लाइन टेक्स्ट इरेज किया, सेव किया, नो पे दबाया। अब यहाँ पे गए। अब यहाँ पे आपको तो क्या करना है, यहीं की तरफ जाके वापस से खोल देना है। अब ये खोलने के बाद अब आपको यहीं पे HTML लिख देना है। HTML लिखने के बाद आपको अब क्या करना है, HTML लिखने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल लिख देना है, जैसे कि सर्वे फॉर्म लिख दिया। फिर एंटर प्रेस किया, देव की हमने जैसे कि आईडी दे दी कंटेनर, एंटर प्रेस किया, टाइटल हमने दे दिया जैसे कि स्पैन शुड बी फ्लेक्स एंड हेयर एंटर प्रेस डन। अब मैं वापस टेस्ट भी लिखता हूँ, अब आईडी लिखता हूँ दिस डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया थैंक यू फॉर साइनिंग अप टू Netflix.tell me more about yourself। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। आप इस हेडर के नीचे गए, फॉर्म लिखा, फॉर्म का एक्शन लिख देते हैं। एक्शन लिख दिया result.html, आईडी लिख देते हैं सर्वे फॉर्म, आईडी लिख दी सर्वे फॉर्म आईडी हमने लिख दी। अब आपको यह करना है एंटर प्रेस करना है फॉर्म पे। अब डिफ लिखना है, क्लास लिखना है, क्लास आपको बॉक्स दे देनी है। एंटर प्रेस किया तो एंटर प्रेस करने के बाद आपको सबसे पहले लेबल लिख देना है। लेबल आपको फर्स्ट आपको लेबल देना है नेम, नीचे बीआर टैग, उसके नीचे इनपुट टाइप में आपको टेक्स्ट लिख देना है, नेम में आपको नेम ही लिखना है, आगे आईडी आपको दे देनी है फर्स्ट, आगे जाके आपको प्लेस होल्डर दे देना है, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। और जब आपका इतना हो जाए तो आपको इनको सेलेक्ट करें
और पिन की तरफ से आपको जाके इधर पेस्ट कर देना है। आप इधर आपको जहाँ जहाँ पे आपने नेम लिखा था वहां पे बस आपको एज लिख देना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एज। अब यहाँ पे आप देखने है एज, ओनली एज, नेम भी एज है, प्लेस होल्डर भी एज है, आईडी आपकी टू है, सॉरी सेकंड सेकंड है। अब सेकंड के बाद नेम आपका एज हो गया, उस टाइप टाइप आपको लग देते हैं नंबर। हाँ अब इतना हो गया तो आपको फिर एंटर प्रेस करना है, सॉरी कॉपी पेस्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है ईमेल, नेम आपको लिख देना है ईमेल, और यहाँ पे भी आपको ईमेल लिख देना है, टाइप पे भी आपको ईमेल ही लिख देनी है, आईडी आपको इधर दे देनी है, थर्ड देनी है मेरे ख्याल से। हाँ अब थर्ड लिख दे, और यहाँ पे आपको लिख देना है इन सबको ताकि एंटर योर ईमेल और ईच का भी बड़ा। तो आप ये देख सकते हैं ये हमने सेव किया। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हमारा सब आ चुका है, सब कुछ ये आपका आ चुका है। अब आपको करना क्या है, अब हमारे HTML के कोड आ गए, अब हम लोग CSS के लिखेंगे, एंटर प्रेस किया। और फिर एंटर प्रेस करने के बाद आपको करना क्या है, जीरो से मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, एंटर, फॉन्ट फैमिली मॉन्सीरत, कॉमा चेहरे, बॉडी, बैकग्राउंड इमेज, URL शुड बी बैकग्राउंड / इमेज डॉट जेपीजी, एंटरप्रेस हैशटैग कंटेनर शुड बी width शुड बी माय 1240 pixels एंड इंटरप्रेस एंड एंटरप्राइज हाइट शुल बी ऑटो वेट शुल मार्जिन शुल बी ऑल्सो ऑटो मार्जिन टॉप मार्जिन टॉप शुल बी 30 पिक्सल्स बैकग्राउंड कलर शुल बी रखब and there we can write 0, 0, 0, 3, and 0.3 and now till we done। अब बच्चे क्या करना, टाइटल डिफाइन कर देते हैं, एंटर प्रेस किया। अब टाइटल हम लोग डिफाइन करते हैं, टाइटल पे आपको लिख देना है फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, एंटर प्रेस, फॉन्ट फैमिली ही शुड बी लाइक बाउली बी वांस एसी एंड मेरा इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, कॉमा लिख देना है, कर्स अब मुझे इतना ब्रश करना है, लेटर स्पेसिंग शुड बी 0.05 pm एम, एंटर प्रेस किया, कलर आपको दे देना है वाइट, एंटर, सॉरी ओनली वाइट, एंटर प्रेस 240 pixel, हाइट शुड बी 90 pixel, एंटर प्रेस किया, और टेक्स्ट अलाइन शुड बी सेंटर, एंटर प्रेस किया, पैडिंग टॉप दे देते हैं 15 pixels, एंटर, स्पैन लिख देते हैं,
स्पेन लिख दिया, कलर कलर शुड बी रेड, डिस्क्रिप्शन कलर शुड बी वाइट, और यहाँ पे आपको लिख देना फॉन्ट फैमिली, लिख देना इधर आपको चर्च मेल बूटी। आप सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो आप ये देख सकते हैं इतना हमारा हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक नेटफ्लिक्स नहीं आया, अभी वो लिख लेंगे। अभी पूरे पौधों ने मार्जिन ऑटो एंटर पैडिंग 30 पिक्सल्स 40 पिक्सल्स एंटर प्रेस विड्थ 500 पिक्सल्स हाइट ऑटो एंटर प्रेस कलर वाइट एंटर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर से भी रख पेन रख पल भी 0.0 और 0.8 तो इतना हो चुका है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है टेक्स्ट एरिया रिसाइज शुड बी 9 एंड द प्रेस डॉट बॉक्स शुड बी मार्जिन टॉप शुड बी 10 पिक्सल्स। अब क्या करना है, आपको यहीं की तरफ से एंटरप्रेस फर्स्ट कॉमा हैशटैग सेकंड कॉमा थर्ड हैशटैग थर्ड कॉमा हैशटैग फीडबैक एंटर विड्थ शुड बी 100% पैडिंग 10 पिक्सल्स मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स डॉट सबमिट सबमिट 1 मार्जिन ऑटो एंटर विड्थ 160 पिक्सल्स एंटर हाइट 45 पिक्सल्स एंटर प्रेस मार्जिन टॉप 15 पिक्सल्स सबमिट 2 160 पिक्सल्स एंटर हाइट 45 पिक्सल्स एंटर border radius 50 pixels enter background color red enter press color white border none enter press cursor should be pointer enter margin should be auto enter text align should be center enter एंटर प्रेस। अब आपको करना क्या, सेव करें, अब रिफ्रेश करें। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा आ चुका है, मगर ये अभी सही से हमारा आया नहीं है। अब हमें ऊपर शायद हमने कुछ गलती की है, सबमिट नीचे गया मैं, सॉरी सबमिट सब मिट वन। अब सेव करते हैं, अब रिफ्रेश सबमिट वन सबमिट। इधर से भी हमने ए बताया, बी लिखा, एम लिखा, सबमिट टू सेव किया। अब रिफ्रेश करते हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग, जब हमारा सबमिट
तू सही है। अब मैं ऊपर जाता हूँ। और मैंने फुल स्क्रीन कर दी। तो थैंक यू फॉर दिस ऑल्सो दैट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इज ऑल राइट। तो ये हमारा सही है बस। और रिजल्ट ओके। सो हमें क्या करना है, मेटा के नीचे जाना है। इधर आपको लिखना है लिंक। लिंक रेल में आपको लिख देना है प्री कनेक्ट। और फिर यहाँ पे आपको ये एचडीएफ लिखना है इसके हमें, ताकि एचडीएफ आपको लिख देना है https://phone.google.in/ googleapps.com। एंटरप्राइज लिंक रेल शुड बी प्री कनेक्ट। प्री कनेक्ट। अब यहीं पे आपको सेम, अब आपको करना क्या है, https आपको फिर दे देना है। यहाँ पे आपको दे देना फोन डॉट गो गैलिक telic.com क्रॉस रोगिन। और जब आपका इतना हो गया तो आपको बनना क्या है, यहीं पे आपको फिर से लिंक लगा देना है। और फिर जैसे ये हटा देना है, बल्कि अब आपको इसे हटाना है। एंटर किया, लिंक लिखा, लिंक लिखा, एंटर प्रेस किया। एचडीएफ लिखते हैं, एचडीएफ आपको दे देना है जैसे कि https। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ करना स्लैश स्लैश लिख के फॉन्ट डॉट गूगल एपीस। अब फिर आपको करना क्या है, डॉट कॉम लिखने के बाद स्लैश css2 पे आपको यहाँ पे ये कॉमा लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। और यहाँ पर आपको फैमिली लिख देना है, फैमिली। फैमिली के बाद आपको लिख देना है बाउल बी के बाद आपको यहाँ पे लिखना है वन वन। और फिर वन आपको लिख देना है जैसे कि प्लस sc एंड। अब यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना, सॉरी एंटर प्रेस नहीं करना है, आप आपको फिर लिखना है फैमिली चार्ट। फिर यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, प्लस प्लस करके आपको मिल लिख देना है, मिल आपको लिख देना है जैसे कि मिल प्लस। अब आपको यहाँ पे लिख देना है गुड्डी, सॉरी गुडी एंड गुडी के बाद आपको यहाँ पे ये लगाना है। फिर आगे फिर यहाँ पे आपको इते लिखना है, फिर इते ले। और फिर आपको एट द रेट लिख देना है, एट द रेट। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर एलिमेंट करना, नेटवर्क्स करें। आप यहाँ पे आपने जब इतना इतने लिख लिया, अब यहाँ पे आपको लिख देना है जैसे के वन वन के बाद आपको फिर एंड वन एंड फैमिली माइनस द नायोट वन, सॉरी आई गेल एंड VGHT। अब यहाँ पे आपको एट द रेट लिखना है, एट द रेट आपको लिख देना है जैसे के, जब आपने लिख दिया
इतना आपने जब लिख दिया, आपको एट द रेट लिखना है 700 एंड डिस्प्ले शुड बी स्वाप। और जब आपको इतना हो जाए तो आपको टैंक पे रेल लिख देना है, रेल आपको दे देना है स्टाइल डॉट स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। अब देखते हैं, आप सेव किया अपने सर्वर अकाउंट पे गए, सेव कर गए, रिफ्रेश किया तो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं डाला। अब सेव करा, अब रिफ्रेश करते हैं सेव करके। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, हमने एक शायद हाथ कुछ चीज नहीं लिखी, आईडी शुल बी कंटेनर हेडर H1 फ्लेक्स, सॉरी हमने यहाँ पे ना नेट भी लिखना था, ऑपरेशन आईडी दिस स्क्रिप्ट सेट, ओके स्क्रिप्ट सेट। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फॉर्म एक्शन शुड बी रिजल्ट डॉट एचटीएमएल आईडी सर्वे फॉर्म डेव क्लास शुड बी बॉक्स, सेव। हमने शायद कुछ लिखा नहीं है। और फिर यहाँ पे आपको जाना है, तो ऐसा करें आप सेव करें आप। अब यहाँ पे हमने सेव करा, अब रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं मेरा बन चुके आ चुका है इजली से, तो मैं आप देख सकते हैं बन चुका है। अगर अभी हमने सेव किया और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं देखते ही हमारा आ चुका है बन चुके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह अच्छी सी वीडियो से मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।